रहा है, हरकते क्यूट छो रहा है, मखारे जमा गोल गप्पे सा हरकते क्यूट छो रहा है, सारे गांव में उसका कति गस्ट हो रहा है। सर स्टडी तो आजकल नाम नाम की रह गई, मतलब जॉब तो है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, आप मखारे लोग न्यू पूछे कविता तू शायरी करे तने के कमाया है, मखारे पीछे तो या दुनिया कमाओ है, मैंने तो भाई बाणा का प्यार कमाया है। सर यही खास बात है कि मैं और की तरह नहीं हूँ। ठीक है, मैं नहीं, ये बात तो सभी कहते हैं, आप दिल से बात बताओ क्या बात है। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमें लाइव देख रहे हैं आप, HR1 शो में आज हम पहुंचे हैं। हमारे साथ दोबारा से एक बार जो HR1 के ओनर चिराग तंवर सर मौजूद हैं, इनसे कुछ HR1 के बारे में पूछेंगे, और जो इनके शो में जो ऑडियंस आती है यहाँ पर पोएट्री करते हैं, कॉमेडी करते हैं, उनका भी रिव्यू लेंगे, और कुछ जो फेमस यहाँ के कलाकार हैं उनका इंटरव्यू लेंगे। सबसे पहले सर हमारे अनोखा प्रेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राम राम जी। राम राम भाई, मैं थारा भाई चिराग तंवर सोनीपतिया, जैसे भाई ने बताया, और भाई से दोबारा फिर मुलाकात हुई है, भाई के साथ इतना लाड हो गया मैं भी, तो भाई बहुत खुशी हुई दोबारा आप कि भाई यहाँ पर आए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। सर जैसे आपका इंटरव्यू तो हो भी गया था, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि जो आपका HR1 शो है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे, मैंने आपकी वीडियोज देखी थी जो काफ़ी वायरल हो रही है, बहुत अच्छे लिखते भी है, बहुत अच्छे गाते भी है, हम चाहेंगे कि उनसे आप एक बार मिलवाओ, हमारे चैनल पे उन्हें देखने का दर्शक इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल विक्की भाई, बिल्कुल आप बिल्कुल मिलवाएंगे, क्योंकि हमारे पास मतलब जो परफॉर्म करते सभी बेस्ट करते वैसे तो, पर लेकिन कुछ ऐसे जिनको मोहब्बत बहुत मिल रही है अपने हरियाणा से भी, अदर स्टेट से भी, तो मैं सबसे पहले तो लड़कियों में अभी मौजूद हैं कविता, तो हिसार से हैं वो, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। तो हमें लाइव देख रहे हो अनोखा प्रेस यूट्यूब चैनल पर, हमारे साथ मौजूद है कविता मैम जो बहुत अच्छा लिखती है, और सबसे पहले इनकी बायोग्राफी जानने से पहले इनसे जान लेते हैं, एक छोटी सी कविता हो जाए मैडम। छोटी सी कविता। मखारे चांद में भी दागो है पर मेरे आड़े में दाग नहीं। क्या बात है। मखारे चांद में भी दागो है पर मेरे आड़े में दाग नहीं, कति सुराड़ा छोरा है बेसुरा उसका राग नहीं, और कति सुतरा छोरा है बुंडे आड़ी बात नहीं, और कति ठाड़ा है माड़ा उसका गात नहीं। क्या बात है। तो मैम सबसे पहले आप हमारे अनोखा प्रेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ताकि दर्शक भी जान पाए आप कहाँ का रेजिडेंस, आपका नाम, पढ़ाई लिखाई कैसे स्टार्टिंग हुई आपकी। मेरा नाम कविता है और मैं हिसार हरियाणा से हूँ, बालसमंद मेरा गांव है, मैं BCOM फाइनल ईयर जाट कॉलेज हिसार से कर रही हूँ फिलहाल। तो ये लुक लिखने का हुनर कैसे आया आपके अंदर, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या फिर छोड़ दी? नहीं कर रही हूँ, फाइनल ईयर है अभी, BCOM फाइनल ईयर। लिखने का तो सर मैं 9th क्लास से ही बोलती हूँ, ठीक है, मतलब बचपन से ही, मतलब जैसे रागने वगैरह सुनती थी थोड़ा बहुत, उसके बाद 9th में मैंने बोलना शुरू किया था क्योंकि स्कूल में म्यूजिक था, तो उसके बाद शुरू किया था, फिर अभी जून से ही लिखना शुरू किया, ज़्यादा दिन हुए। लोग बोलते थे तू खुद लिखा कर, कॉपी मत किया कर, क्योंकि पहले तो मैं सोशल इश्यूज़ पे बोलती थी, अभी थोड़ी सैड शायरी या फिर लोगों को यही पसंद आती है क्योंकि अच्छे ज़्यादा दिल टूटे हुए, ठीक है, इस वजह से तो बस मैंने तभी लिखना शुरू किया था। घर वालों का कितना सपोर्ट मिला आपको? घर वाले फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप लड़की भी हो और लड़की को घर वालों का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता हरियाणा में खासकर, तो आपको कितना सपोर्ट मिला और किस प्रकार आप आगे बढ़ रहे हो? नहीं, घर वालों का सपोर्ट स्टार्टिंग से ही है, स्टडी में भी और कुछ भी करूं मैं मना नहीं करते, चाहे पहले भी मेरे काफ़ी मैंने मतलब ऑडिशंस दिए हैं, उसके बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने छोड़ दिया था, अब दोबारा से शुरू किया मैंने, फैमिली फुल सपोर्ट करती है, कोई प्रॉब्लम। कारण क्या था छोड़ने का, लेकिन फिर आप दोबारा आए? सर फैमिली इश्यूज हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मेरी तबीयत तो ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और अब थोड़ा ठीक हुई हूँ तो शुरू किया दोबारा। HR1 शो में आए आप, इससे पहले कहाँ कहाँ पर आपने शो किए हैं और HR1 में कितना सपोर्ट मिला आपको? एक ही किया है मैंने वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मतलब यहाँ से फुल सपोर्ट, चिराग सर फुल सपोर्ट करते हैं, मैं फर्स्ट टाइम आई तो मेरे को लगा नहीं है यहाँ पे फर्स्ट टाइम, मैं सबने काफ़ी प्यार दिया बिल्कुल, मतलब मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ, ठीक है, आगे जाती हूँ तो, क्योंकि अभी दोबारा से शुरू किया इस वजह से, तो उसके बाद सर ने फुल सपोर्ट किया इन्होंने, मतलब जो भी है सारे, मतलब बिल्कुल भी नहीं घबराई, मेरे को लगा भी नहीं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, और वीडियो भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए हैं, काफ़ी बहुत अच्छी चली है सर। ज़्यादा क्वेश्चन होने से पहले एक बार छोटी सी कविता और आने दो ताकि दर्शक पता लग सके, पोएट हो बहुत अच्छे। मखारे जमा गोल गप्पे सा है हरकते क्यूट छोरा है, मखारे जमा गोल गप्पे सा है हरकते क्यूट छोरा है, सारे गांव में उसका कति गस्ट हो रहा है, सब आता है थोड़ा गुस्सा आला है, फिर दिल का कति साफ है,
और उसकी आवाज कोयल न भी करे माफ है, आख्या पर उसके चश्मे है, फिर नजर खराब को न्या, अरोका बेसंग पींदा हो फिर भी उसने कदे शराब को न्या। बहुत अच्छी पोएट्री मैडम गाती है। तो मैम फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, पढ़ाई लिखने में, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर इसी चीज़ में आप कैरियर बनाना चाहते हो अपना? सर स्टडी तो आजकल नाम नाम की रह गई, मतलब जॉब तो है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, आप समझते हो इस चीज़ को, पता है आपको कितनी की जॉब। लेकिन मैडम बात एक भी तो, चिराग सर की अभी बात हो रही थी मेरे से कि शायरी वगैरह खाने को नहीं देती। खाने को नहीं देती, वही बात है। मखारे लोग न्यू पूछे कविता तू शायरी कर है तने के कमाया है, मखारे लोग न्यू पूछे कविता तू शायरी कर है तने के कमाया है, मखारे पीछे तो या दुनिया कमाओ है, मैंने तो भाई बाणा का प्यार कमाया है। वाह। क्वेश्चन के ऊपर ही पोएट्री सुना दी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो मैडम बात बात पे आप पोएट्री सुना देते हो, इसका क्या रीज़न है, कैसे हुनर है ये? क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम लोगों में होते हैं इस प्रकार का टैलेंट। सर अब क्या बताऊँ मैं क्यों, मतलब बस ऐसे ही दिमाग में मैं पूरा दिन मतलब बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। ठीक है, मैं मतलब मेरे साथ कोई और होता है वो भी यही बोलता है कि तू ज़्यादा खोई रहती है। ठीक है, तो मैं कुछ भी देखूँ मेरे को लोग मतलब कुछ बोल देते हैं तो उसको उसी टाइम पे शायरी में मतलब हाँ लिख देती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। जैसे एक शायरी और है मेरी, मतलब मैंने सारी जगह तो धोखा मिला, वो भी किसी बात पर लिखी थी। मैं हर एक शायरी किसी बात पर लिखती हूँ, ऐसे तो बिना बात में लिखती नहीं। आने दो क्योंकि आजकल लोगों को धोखा बहुत मिल रहा है। हमारे पे विश्वास कर ले, मैं क्यों कर विश्वास कर लियो, मैंने सारी ये जगह तो धोखे मिले हैं। मखारे लोग न्यू कहे हमारे पे विश्वास कर ले, मैं क्यों कर विश्वास कर लियो, मैंने सारी ये जगह तो धोखे मिले हैं। और लोग क्या के दिए हुए जख्मियां ने खुद का हाथ सिले हैं, मैंने यारी में भी धोखा मिला, मैंने प्यार में भी धोखा मिला, न्यू ए मारी मारते मुलाकात नहीं हुई, और कोई तो आया होगा मारी भी जिंदगी में, न्यू ए मारी काली रात नहीं हुई, मखारे न्यू ए मारी काली रात नहीं हुई। तो मैम जो एच आर वन शो में आप आते हो, बैक टू बैक जितने भी इवेंट होते हो आप अपनी हाजिरी जरूर देते हो यहाँ पर, एच आर वन शो के बारे में, चिराग सर के बारे में थोड़ा रिव्यू बताए ताकि ऑडियंस को भी पता लग सके किस प्रकार का ये एच आर शो है, यहाँ पर किस प्रकार के ऑडियंस आती है। सर बहुत अच्छा शो है, चिराग सर काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लड़कियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, सबको सिस्टर वगैरह मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब स्टार्टिंग वाले दिन से सर ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं बल्कि मेरा यहाँ पे सेकंड टाइम है, बाकी चिराग सर को छोड़ के मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं जानती किसी को, चिराग सर को ही ज़्यादा जानती हूँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इवेंट है, सबको सपोर्ट मिलती है, चाहे कोई फर्स्ट टाइम आओ या फिर बार बार आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सपोर्ट मिलती है सर। अगर आपको किसी शो में जाने का मौका मिले, आप एच आर वन शो को छोड़ोगे या फिर, पहले क्वेश्चन पूरा होने दो, एच आर वन शो को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, इसका क्या बात है? नहीं सर मतलब मैं, क्योंकि कई बार ये हो जाता ना कि नेम फेम मिलने के बाद सबसे पहले तो ये बात होती है कि जहाँ से हमें नेम और फेम मिला, जहाँ से हमारी चढ़ाई हुई, उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। कहते लेकिन जो युवा साथी होते हैं ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलने के बाद पुरानी चीज़ को भूल जाते हैं। सर यही खास बात है कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ। ठीक है, मैं नहीं, ये बात तो सभी कहते हैं, आप दिल से बात बताओ क्या बात है? सर ऐसे रियलिटी है, खासकर मतलब मेरा कोई वो नहीं है, फ्रेंड नहीं है। ठीक है ना, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल, सर्कल तो तब होएगा जब कोई एक भी होएगा। ठीक है, नेम फेम होने के बाद तो मैडम सर्कल अपने आप जुड़ता चला जाता है, मेहनत अकेले करनी पड़ता है, काफिला तो अपने आप आ जाता है। नहीं छोड़ूंगी सर ऐसी बात, जैसे नेम फेम मिले वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है सर, बाकी मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे कहीं पे भी जाने का मौका मिला, चाहे कुछ भी हो, मैं एच आर वन को नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू दो एक बार एच आर वन के बारे में। रिव्यू तो सर अब यही बोलूँगी सर, काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे जितने सपोर्ट मिलते हैं ना शायद ही कहीं पे मिलती होगी। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, खासकर ये है क्योंकि काफ़ी जगह पे होता है सर भेदभाव। किस प्रकार का भेदभाव? सर वो तो भेदभाव यही है कि वीडियो लेट डालते हैं, किसी की डालते किसी की नहीं डालते, इसी टाइप की होती है। ठीक है, कई बार होता है कि कोई नया बंदा जाता है वो आगे उठ के जाता है तो ऑडियंस क्या करते हैं, हंस देते हैं, कोई वहाँ पे पहले से जा रहा हो या फिर ज़्यादा चढ़ा हुआ बंदा हो। ठीक है, अगर उसकी पसंद, मतलब मेरी नज़रों में हर कोई अच्छा लिखता है सर। ठीक है, क्योंकि सारे मेहनत करते हैं, हंसना नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी लिखा हो, बस गाली गलौच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको सेम, कोई भेदभाव नहीं है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना कीमती समय दिया।
अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब मेरे बारे में पूछा, लोगों को मतलब मेरे को पूछाने की कोशिश की। वैसे मेरा फर्स्ट टाइम एक बार और हुआ इंटरव्यू, सेकंड टाइम यहाँ पे। बहुत अच्छी है सर का भी मैंने इंटरव्यू देखा था, बहुत अच्छा लिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, मैं तो यही कहूँगी सर। बाकी सपोर्ट करो इनको भी। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। नई नई वीडियोज, नई नई इंटरव्यू आपके सामने दिखाते रहेंगे। वीडियो को बिना बताए शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।